बंद रखें। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मेरा नाम उसामा रियाज है, और अब मैं अपनी थोड़ी सी एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ बताता चलूँ। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मैंने ग्रेजुएशन की थी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मेजर हॉर्टिकल्चर, और उसके बाद मैंने यूएन की तरफ से एक स्कॉलरशिप पे कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज किए एग्रीकल्चर के अंदर, इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, और रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का मैं मेंबर भी हूँ। 2019 से मैं डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ अटैच हूँ, वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के भी थे, वो इन्वायरमेंट से रेलिवेंट भी थे, और मेरे अपने भी दो तीन स्टार्टअप्स हैं, गूगल लाइसियम उनमें से एक है, और इसके अलावा मैं अजरबैजान की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, आसान खिदमत मरकज़ के साथ इन्वायरमेंट के ऊपर एक वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे रेलिवेंट एक टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे मैं काम करता हूँ उनके साथ, क्योंकि मेरी डिग्री हॉर्टिकल्चर है, इंडोर प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड वो प्रोजेक्ट है, तो उसके हवाले से जो है मैं उनके साथ काम करता हूँ। तो अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज या वन पेपर का मेरा एक्सपीरियंस क्या है। जनरल नॉलेज का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लास्ट 13 ईयर्स का है। 2008 के साथ मैं जनरल नॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ, और टीचिंग जनरल नॉलेज की जो टीचिंग है वो पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ जीके को। एकेडमी में पीपीएससी की जो तैयारी है वो तो 17 अगस्त से करवा रहा हूँ। उससे पहले जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद में क्विज़ क्लब था उसके प्लेटफॉर्म से मैं इंगेज था। इसके अलावा पर्सनली जो यूनिवर्सिटी के अंदर थे लोग उनके साथ हल्का फुल्का जो था वो टीचिंग से रेलिवेंट होता था, लेकिन रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर जो टीचिंग है वो लास्ट 1 ईयर से है, उससे पहले रेगुलरली नहीं थी। उससे पहले कह लें कि वो आप प्रोफेशनल टीचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक टीचिंग तो थी, पढ़ाता तो था मैं, लेकिन वो प्रोफेशनल टीचिंग नहीं थी जिस तरह गूगल लाइसियम के अंदर मैं टीच करता हूँ और सारा कुछ। तो ये था टीचिंग का सारा के सारा। और मेरा खुद पर्सनल वन पेपर का क्या एक्सपीरियंस है, 2019 के अंदर 17 नवंबर 2019 को मैंने एक वन पेपर दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। वो मेरा पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जो था वो क्लियर था, उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था वो भी मेरा क्लियर था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, यानी इंटरव्यू वगैरह ही नहीं हुआ, और वो पेंडिंग चला गया और कोविड आ गया और वो सारे का सारा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही सीट्स जो हैं उन्होंने ख़त्म करके तो दोबारा दी थी अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो वही सीट्स थी जो उन्होंने ख़त्म करके तो दोबारा दे दी, तो सीट्स थी वही, तो अब दोबारा आई थी। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि पीपीएससी क्या चीज़ है, और क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो न्यू होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता पीपीएससी का कि पीपीएससी क्या चीज़ है, और मुझसे कल पूछ भी रहे थे स्पेशली वो लोग के जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पीपीएससी का। तो पीपीएससी क्या है जी, पीपीएससी स्टैंड फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे। अच्छा, अब जिस तरह कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सुनते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट होता है जो रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को इंडक्ट करता है, हायर करता है कंपनी के लिए, उसी तरह ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए जो डिपार्टमेंट है जो हायर करता है लोगों को, उसका नाम है पीपीएससी। जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए हायर करता है लोगों को, उसका नाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने लोगों को इंडक्ट करना होता है, हायर करना होता है, और इन्होंने जब हायर करना है तो अब मेरिट, अब कोई बेस तो रखनी है ना कि किस बेस पे हायर करना है लोगों को, क्या बेस होनी चाहिए हायर करने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो वगैरह वगैरह। तो पीपीएससी फिर डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करती है डिफरेंट जॉब्स के लिए। जब वो डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करती है डिफरेंट जॉब्स के लिए, तो फिर आप लोग भी उसके लिए अप्लाई करते हैं। हर पोस्ट के लिए टेस्ट डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट तरह का होता है, किस किस तरह के एग्जाम्स पीपीएससी लेती है। देखें, जो एक नॉर्मल सी जॉब्स होती हैं ग्रेड 16 तक की, 17 तक की, जो जनरल सीट्स होती हैं और जो प्रोफेशनल सीट्स होती हैं, अब इसमें भी दो तरह की सीट होती हैं पीपीएससी में, एक जनरल सीट होती है, एक प्रोफेशनल सीट होती है। पहले मैं जनरल सीट का बता दूं, जनरल सीट वो सीट होती है जिसके ऊपर कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर अप्लाई करता है, यानी
एडवर्टाइजमेंट आई है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि MBBS डिग्री पर्सन रिक्वायर्ड, या लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए आपकी फॉर्म डी में, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो LLB लिखी है, ठीक है, MBA लिखी है, जब एडवर्टाइजमेंट में जॉब के आगे एक स्पेसिफिक डिग्री, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन होगा तो इट मींस कि वो प्रोफेशनल सीट है, उसके अंदर सिर्फ उसी डिग्री का पर्सन ही अप्लाई कर सकता है और कोई बंदा उसमें अप्लाई नहीं करेगा। दूसरी होती है जनरल सीट। जनरल सीट वो सीट होती है जिसमें ना डिग्री मेंशन होती है ना सब्जेक्ट मेंशन होता है, सिर्फ ये मेंशन होता है मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम इंटर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम मास्टर्स होनी चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स एजुकेशन है, मिनिमम 16 ईयर्स एजुकेशन है। उसमें सिर्फ उन्होंने ये लेवल ऑफ एजुकेशन मेंशन किया होता है, कोई डिग्री मेंशन नहीं की होती, कोई सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता। ये होती है जनरल सीट। जनरल सीट के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर वहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, अगर वहाँ पे कोई डिग्री मेंशन नहीं है, तो हर बंदा अप्लाई कर सकता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में और जितने भी और पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उन सब में। तो अगर उन्होंने डिग्री मेंशन नहीं की और कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया और आप उस लेवल पर आते हैं एजुकेशन के, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपने आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ जॉब्स के पेपर होते हैं वन पेपर, यानी 100 मार्क्स का एक पेपर ले लेता है PPSC FPSC, सिर्फ 100 मार्क्स का वो पेपर होगा, 100 MCQs होंगे, उन्हें कहते हैं वन पेपर एग्जाम। कुछ पोस्ट होती हैं वो थोड़ी सी पावरफुल होती हैं, अथॉरिटी होती है सोसाइटी के अंदर, उनका कंपटीशन ज़्यादा होता है, जैसे तहसीलदार की पोस्ट आई थी, तो ऐसी पोस्ट के लिए PPSC 2 या 3 या 4 एग्जाम जो हैं वो कंडक्ट करवाता है, जिसे हम कहते हैं रिटन एग्जाम। यानी एक पेपर तो होगा वो होगा MCQ बेस्ड, जो बाकी पेपर्स होंगे वो पेपर होंगे, एक वन MCQ होगा, दूसरे डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, MCQs भी हो सकते हैं, ये PPSC के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा पेपर होंगे उसे कहेंगे रिटन एग्जाम। फिर पंजाब के अंदर या जो दूसरे सूबे हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्टें थीं उनमें से अब 2 रह गई हैं, एक फेडरल लिस्ट और एक प्रोविंशियल लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट थी सब्जेक्ट्स की वो ख़त्म हो गई है, 17 सब्जेक्ट जो थे वो सूबों को मिल गए हैं, तो न्यू डिपार्टमेंट सूबों को मिले हैं, तो सूबों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं न्यू। तो इसीलिए PMS 2010 से चल रहा है 18th अमेंडमेंट के बाद। तो पंजाब की और जो प्रोविंशियल लेवल की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी इंडक्शन के लिए जो PPSC FPSC BPSC हैं KPPSC हैं वो PMS कंडक्ट करवाते हैं और ये हर साल होगा। तो PMS जो है इसके ये 1200 मार्क्स का बाद रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इसका वाइवा वोसे होता है, ठीक है, इसका वाइवा वोसे और दूसरों में के वाइवा वोसे में डिफरेंस होता है, उनका इंटरव्यू और इसका वाइवा वोसे उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो PMS जो होता है ये 1200 मार्क्स का होता है, ये इसमें सिर्फ एक MCQ का 100 मार्क्स का पेपर होता है जनरल नॉलेज का। अब ये जो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ 19 से, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर बेसिकली तो ये फोकस किया गया 2 चीज़ों के लिए, एक तो PPSC वन पेपर के लिए, दूसरा ये PMS जनरल नॉलेज पेपर के लिए, ठीक है। PPSC वन पेपर जो होता है वो जनरल सीट का हो या वो प्रोफेशनल सीट का हो, अब प्रोफेशनल सीट के अंदर अगर सिलेबस आता है तो वो 50 to 80% आपकी डिग्री में से होता है, 50 to 80% प्रोफेशनल सीट का जो सिलेबस होगा वो आपकी डिग्री में से होगा, और उसमें जो बाकी पोर्शन होगा वो GK का होगा, यानी 20 to 50% वो पोर्शन जनरल नॉलेज का आपसे पूछ सकते हैं। अब जनरल नॉलेज कोई एक चीज़ नहीं है, जनरल नॉलेज के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है, और इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स है, ये है जी जनरल नॉलेज, इसे कहते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है, तो इसे कहते हैं जनरल नॉलेज। अब आप अगर ये सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले तो आपको इन सब्जेक्ट्स का बताता चलूं, इस सेशन में पाकिस्तान स्टडीज़ आपको अच्छी तरह करवाई जाएगी, ताकि आप CSS दें,
उसमें भी आपके तैयारी हो, इससे पीएमएस की भी पाकिस्तान स्टडीज़ की आपकी बेस बन जाए, सीएसएस की बेस बन जाए, पीपीएससी वन पेपर की 100% तैयारी हो, ठीक है, पीएमएस के अंदर हो गया, सीएसएस का हो गया, फिर इसके अलावा आप एफपीएससी का पेपर देते हैं उसमें भी 20% जनरल सीट के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन आता है, उसकी भी इसमें से हो जाएगी तैयारी। इस्लामिक स्टडीज़ की भी जो आप यहाँ पर तैयारी करेंगे, सीएसएस में आपके एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी, पीएमएस अगर देते हैं उसमें एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी, फिर इसके अलावा एफपीएससी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी 20% इसी में से होगा, उसकी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स आप यहाँ से करेंगे, अगर सेशन ज्वाइन करते हैं जो करंट अफेयर मैं आपको करवाऊँगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, एक तो आपकी पीपीएससी वन पेपर की तैयारी होगी, सीएसएस के जो एमसीक्यूज हैं उनकी तैयारी होगी, पीएमएस के एमसीक्यूज की तैयारी होगी अगर आप कल को देना चाहें तो। फिर उसके अलावा एफपीएससी के जो जनरल सीट होती है एफपीएससी की, उसमें 20% करंट अफेयर्स में से आता है, उसकी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी जो है इसकी अगर आप सीएसएस या पीएमएस में ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल रखते हैं तो उसमें ये आपको हेल्प आउट करेगा एमसीक्यूज में, ठीक है, एमसीक्यूज में हेल्प आउट करेगा। फिर इसका जो मेनली जो आता है ज़्यादा पोर्शन, उसे पीपीएससी वन पेपर में आता है ज़्यादा, एफपीएससी में ज्योग्राफी ज़्यादा पोर्शन नहीं आता। पीपीएससी में जो 100 एमसीक्यूज आते हैं जनरल सीट के, क्योंकि जनरल सीट का ये सिलेबस है, जनरल सीट में 100% जनरल नॉलेज आना है, ये सारे सब्जेक्ट्स में आना है जनरल, ये जनरल सीट के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। प्रोफेशनल सीट में आपकी डिग्री में से आएगा, जो जनरल सीट होती है उसमें 100 out of 100 जो MCQs होंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएंगे, ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से वो आएंगे जो आपकी जनरल सीट का होगा। तो जनरल सीट का जो 100 मार्क्स का MCQ का होता है उसमें ज्योग्राफी रेलिवेंट पोर्शन ज़्यादा होता है बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत, तो ज्योग्राफी रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं उसके अंदर। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, आगे है जी इंग्लिश। इंग्लिश का मेरे ये पिछला जो बैच था, मैंने डेमो क्लासेस के अंदर एक डेमो क्लास रखी थी उस बैच की, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं था किया तो उन्हें नहीं था पता चल सका कि उसमें भी मैंने ये बताया था कि इंग्लिश पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 2 माह के अंदर करवा सकूँ, ये तो बैच फिर भी 1 माह का है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको करवानी है तो डिटेल में आपको इंग्लिश करवाना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए कि मैं सारी चीज़ों के साथ साथ डिटेल में इंग्लिश करवाऊँगा आपको, आपको मैं करेक्शन करवाता फिर हूँ, टेंसेस करवाता फिर हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता। इंग्लिश का क्या होता है, पीपीएससी वन पेपर में जो जनरल सीट होती है और जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें जो एमसीक्यू आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किन चीज़ों के एमसीक्यूज होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई एक आध आ जाता है यूजेज ऑफ आ एन द, तो ये आ जाता है एक आध, ये आ जाता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के नहीं आते वन पेपर के अंदर, ठीक है, ईडियम्स आ जाते हैं। तो इंग्लिश का जो है वो आपको मैं दोबारा बताता चलूँ कि डिटेल के अंदर ये नहीं होगा कि इंग्लिश में आपको करवाने बैठ जाऊँगा, इस तरह नहीं होगा। इंग्लिश का मैं आपको अभी बताता चलूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेशन हुआ था, लास्ट सेशन हुआ था, उसके जो लेक्चर्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो और उसके अलावा जो बाकी नोट्स होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ईडियम्स के और बाकी जो चीज़ें होंगी जो पेपर में आती हैं उन सब के मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा, उसका टेस्ट होगा बाकायदा, ठीक है। तो इंग्लिश का मैं आपको क्लियर करता चलूँ, उर्दू का जो पोर्शन है ये आपके सीएसएस में काम नहीं आएगा, ये आपको पीएमएस के अंदर उर्दू के अंदर मे बी आ जाए, अदरवाइज ये वन पेपर जो होता है जनरल सीट हो या प्रोफेशनल सीट हो, जनरल सीट के अंदर 10 एमसीक्यूज आते हैं उर्दू में से और प्रोफेशनल सीट में 2 एमसीक्यूज आते हैं उर्दू में से। उर्दू में क्या करना होता है याद या जो तैयारी होती है, पहली चीज़ कि उर्दू ग्रामर में से कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि उर्फ क्या है, खिताब क्या है, ठीक है, ये चीज़ें, और इसके अलावा वो आपको किताब का नाम लिखा होगा, मुसनफ़ ढूँढना होगा, शेर लिखा होगा, शायद ढूंढना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं उर्दू की, वो डिटेल में मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। फिर एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस के भी जो होता है वो प्रोफेशनल सीट में 1 से 2 एमसीक्यूज आते हैं, 3 भी आ जाते हैं, जनरल सीट में इसके एमसीक्यूज होते हैं तकरीबन 5 से 6।
और जो सीएसएस अगर आप देती हैं तो उसके अंदर आपको एमसीक्यूज में ये हेल्प आउट करेगा जनरल साइंस एंड बिल्टी में, और पीएमएस अगर आप देती हैं तो उसमें जनरल नॉलेज के पेपर में आपको ये हेल्प आउट करेगा, एफपीएससी अगर आप देती हैं तो उसमें कुछ जो जनरल सीट होती हैं उसमें जो एवरीडे साइंस होता है जो जनरल साइंस के नाम से होता है तो उसमें आपको ये 20% तक आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है। तो 20 MCQs जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं, तो ये आपकी हेल्प जो है यहाँ से हो जाती है, तो यहाँ से आपकी हेल्प जो है वो हो जाती है। फिर बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, अब बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ क्या होता है, इसके अंदर जो पेपर में 5 से 6 जो MCQs आती हैं जनरल सीट में आती हैं 5 से 6, और वो कौन से MCQs होते हैं, एक तो वो आपको बेसिक्स पूछता है कंप्यूटर की, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, और कुछ मेमोरी से रेलिवेंट चीज़ें, ये चीज़ें पूछेगा, कोई एग्जांपल वो पूछ लेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, ये हो गया। फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो दो होती हैं, एक के कीज़ आपने याद करनी होती है, ठीक है, कीज़ कौन सी किसके लिए यूज़ करनी होती है, ये की एक होती है, ये आपने याद करनी होती है, एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और पावर पॉइंट वगैरह की कीज़, ये आपको नोट्स वगैरह, क्योंकि ये कंप्यूटर का सिर्फ रट्टा मारना होता है, इसमें कीज़ का क्या समझाने का बनता है, तो कीज़ जो है वो आपने याद करनी होती है। तो बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ की जो ये कीज़ वगैरह ये आपको सिर्फ यहाँ पे ही काम आएगा, और एक आध प्रोफेशनल सीट में इसका MCQ आता है, मुश्किल से एक आध आता है, ज़्यादा नहीं कंप्यूटर का आता प्रोफेशनल सीट में, जनरल सीट में 5 से 6 MCQs आते हैं बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो है इसमें आपकी एक तो ये CSS में हेल्प करेगा, CSS में जनरल साइंस एंड बिल्टी के पेपर में हेल्प करेगा आपकी, और फिर इसके अलावा FPSC के अंदर 20 जो MCQs होते हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स से आते हैं, वहाँ पे ये हेल्प आउट होगी आपकी, ठीक है। PMS के अंदर ये आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, उसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। PPSC 1 पेपर प्रोफेशनल सीट में 1 से 2 MCQ आ जाते हैं इसके, और जो जनरल सीट है उसमें 5 से 6 MCQs बेसिक मैथमेटिक्स से आते हैं। तो इस सेशन से ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी जो ये लिखी हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें कहाँ कहाँ यूटिलाइज होंगी ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके अलावा ये इस सेशन से PMS का जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का वो भी आपका कवर होगा, यानी करंट अफेयर्स वही वही रहने हैं, जो जनरल साइंस का पोर्शन होगा फिजिकल साइंसिस का, बायोलॉजिकल साइंसिस का, इन्वायरमेंट स्टडीज़ का, फूड साइंसिस का, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारी की सारी वही चीज़ें हैं, तो यही आपके PMS जनरल नॉलेज के अंदर काम आनी है। ये जनरल क्या है एक्स्ट्रा, जनरल वही एक्स्ट्रा है कि इन्वेंशंस का पूछा जाता है, डिस्कवरीज का पूछा जाता है, साइंटिस्ट का पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं जनरल के अंदर। तो जनरल जो नॉलेज के अंदर जो जनरल पोर्शन होता है, ठीक है, उसमें जियोग्राफी का भी थोड़ा बहुत आ सकता है, तो वो उसकी मर्जी है, जनरल के अंदर वो किस किस को जनरली कुछ भी पूछ सकता है, तो जनरल पोर्शन के अंदर वो जनरल जो बातें होती हैं उसमें कुछ भी वो पूछ सकता है। तो इस सेशन से इंशाल्लाह आपको ये 1 मंथ के अंदर एक तो प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, ठीक है, प्रॉपर लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इंशाल्लाह पिछले सेशन की थोड़ा सा मेरे से ये थोड़ा सा हुआ था कि टेस्ट जो थे वो स्टार्टिंग में प्रॉपरली मैं नहीं ले सका, ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को कि पिछले जो बैच था उसमें मैं टेस्ट प्रॉपरली नहीं ले सका था स्टार्टिंग पे। तो इंशाल्लाह आपका जो बैच है इसमें, क्योंकि अभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ अभी से ही, तो अभी एक दो दिन का ब्रेक आया था उस बैच में भी, तो इंशाल्लाह ये आपके टेस्ट जो हैं वो फर्स्ट डे से रेगुलरली होंगे, ठीक है। तो जो आपसे कमिटमेंट की जाएगी इंशाल्लाह वो पूरी करने की कोशिश की जाएगी, 100% के कोशिश मैं करूँगा कि वो कमिटमेंट पूरी की जाए। ये जो बैच है ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 19 अप्रैल से मंडे से स्टार्ट होगा, इसकी 3 टाइमिंग्स हैं, इसकी 3 टाइमिंग्स हैं, ठीक है, 3 टाइमिंग्स हैं इसकी। एक टाइम है रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक का, ठीक है, रात 9 बजे से 12 बजे का। फिर ट्यूसडे को जो 2 टाइम और स्टार्ट होंगे ट्यूसडे से, मंडे से पहली जो क्लास होगी वो मंडे को रात 9 बजे होगी। जो लोग रात 9 बजे वाला टाइम नहीं रखना चाहते
और जो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक का एक टाइम अवेलेबल है, दूसरा टाइम जो अवेलेबल है वो है 2 बजे से लेके 5 बजे का। अगर आप 9 बजे नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप 10 बजे वाला टाइम रखना चाहते हैं या 2 बजे वाला जो रखना चाहता है, उसकी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी ट्यूसडे से। तो उनकी जो क्लास है वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, यानी 20 अप्रैल से। तो आपके पास तीन जो हैं वो टाइमिंग्स की जो है वो, एक आपके पास कह लें कि चॉइस है और आपने चूज़ करना है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं दे देता हूँ, आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम लिख के मैसेज कर देना है। 3,000 इस सेशन की फ़ी है, बाकी अकेडमी से आप पता कर सकते हैं, वो 10 से 20 हज़ार आपको चार्ज करेंगी। और मेरी ये गारंटी है कि उनसे अच्छा ये सेशन होगा। और मेरे पिछले स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो भी आप फेसबुक पेज के ऊपर, मैं अभी फेसबुक पेज भी आपको दिखाता हूँ। तो 17 अगस्त से लेके आज की डेट तक हर क्लास का जो है वो, पिछले 1 माह की क्लास का मैं नहीं था ले सका फीडबैक, लेकिन 17 अगस्त से लेके फरवरी तक आप हर क्लास का फीडबैक दे सकते हैं, हर बैच का फीडबैक आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हर क्लास का, हर बैच का फीडबैक मौजूद है। फिर इसके अलावा 3,000 फी है। अगर आप थर्सडे तक फी सबमिट करवाते हैं, जुमे रात तक अगर आप फी सबमिट करवाते हैं, तो आपको डिस्काउंट है 2,000 रुपी। आप जो भी है वो 2,000 रुपी थर्सडे तक सबमिट करवा सकता है। मैं किसी और बैच को पहले डिस्काउंट नहीं देता, ठीक है, अभी सिर्फ रमज़ान की वजह से मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ कि जो लोग वाकई सीरियस हैं तो वो लोग 2,000 के अंदर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मेरी ये गारंटी है कि आप डिफरेंस फील करेंगे पहले दिन में, और आखिरी दिन जब आपकी क्लास ख़त्म होगी तो आपको एक डिफरेंस महसूस होगा। ठीक है, तो आपको मटेरियल और नोट्स से क्या मुराद है कि जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं वो तो नहीं मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये मैं आपको पहले बताता चलूँ, लेक्चर की स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। ठीक है, डिफरेंट बुक से डिफरेंट जो मटेरियल होगा, हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो होगा मटेरियल और नोट्स, यानी जो डिफरेंट बुक्स हैं उनसे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रॉपर लेक्चर होंगे, ये नहीं है कि इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर्स हैं, फिलहाल बुक की चीज़ें हैं, वो चीज़ नहीं है। प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर लेक्चर्स होंगे और डिफरेंट बुक से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि सिर्फ एक किताब बता दी जाएगी और कहा जाएगा कि जाके पढ़ो, ये बाकी अकेडमीज की तरह नहीं है कि आपको सिर्फ किताब बता दी जाए और आप अपने आप के तौर पे जाके तो जाके ही पढ़ें। तो बाकी अकेडमीज होती हैं वो 20-20 हज़ार ले लेती हैं, और 20-20 हज़ार लेने के बाद वो स्टूडेंट्स को कह देती हैं कि ये बुक्स हैं जाके तो पढ़ लो जाके। ठीक है, तो वो वाला सीन आपके साथ नहीं होगा, और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्रॉपर क्लासेस होंगी, प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर इसके अलावा आपने फ़ी कहाँ पे सबमिट करवानी है, फ़ी हबीब बैंक अकाउंट में आपने सबमिट करवानी है। आप अपने मोबाइल में या अपने मोबाइल में जैस कैश ऐप डाउनलोड करके, इजी पैसा ऐप डाउनलोड करके तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कोई बुक आपको बॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मटेरियल सॉफ्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई बुक भी आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो मैंने बनाया हुआ था ये डेमो क्लास का लिंक सेंड करने के लिए, जो लोग फी सबमिट करवाएंगे उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 0300-421-9263, तो इसके ऊपर आप अपना नाम सेंड कर सकते हैं। और बाकी फ़ी डिटेल्स जो हैं कि कहाँ पे सबमिट करवानी है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज कर सकते हैं, उन्हें मैं फ़ी डिटेल्स जो है वो सेंड कर दूंगा। थर्सडे तक आपके पास डिस्काउंट ऑफर है, तो थर्सडे तक आपके पास डिस्काउंट ऑफर है कि आप लोग थर्सडे तक 2,000 फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि वो 2,000 भी पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये ऑफर है कि वो अपने तीन दोस्तों की रजिस्ट्रेशन करवाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, या चार दोस्त मिल जाएं और चार दोस्त में वो तीन की फ़ी सबमिट करवा के तो तीन की फ़ी में चार लोग भी पढ़ सकते हैं। ये भी मैं आपको ऑफर देता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि ये 2,000 भी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो चार लोग हैं वो तीन की फ़ी के अंदर भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह ये सेशन बहुत अच्छा होगा। और अभी मैं आपको पेज भी दिखा देता हूँ, तो आके जी डेली लेक्चर्स होंगे, डेली लेक्चर्स होंगे, मंडे टू संडे डेली लेक्चर्स होंगे। ठीक है,
लेक्चर जो हैं वो डेली होंगे। मैं आपको पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए पेज का, आप लोग जो हैं वो खुद भी बाद में विजिट कर सकें। एक मिनट रुकें, डेमो लेक्चर मैं देता हूँ अभी, एक मैं आपको लेक्चर भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं पढ़ाता किस तरह को, ठीक है? आपको आइडिया हो जाए कि मैं पढ़ाता किस तरह का, वो भी मैं आपको एक डेमो लेक्चर दे देता हूँ, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ। तो ये पेज है गूगल लाइसियम का, ठीक है? इस पेज को आप 17 अगस्त से विजिट कर लें, 17 अगस्त से आप विजिट करें और पीछे से लेके अब तक के आप फीडबैक्स पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके भी लेक्चर्स जो होंगे वो उसी तरह के होंगे। और यहाँ पे मैंने नीचे मैं आपको जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका जो है फीडबैक भी मैं ग्रुप में भी लिंक सेंड कर दूंगा, और मैंने कर लिया है। और जिस तरह उन्होंने अपनी मर्जी से फीडबैक दिया है और जिस तरह का भी उन्होंने फीडबैक दिया है वो मैंने उस तरह का अपलोड कर दिया है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ताकि वो वीडियो भी आप देख लें और आपको उसका भी पता चल जाए। तो फीडबैक, एक मिनट रुकें, वो मैं लिंक भी शेयर करूँगा और वीडियो भी मैं दिखा देता हूँ। जी ओल्ड स्टूडेंट्स की फ़ी जो है 1500 है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मेरे वो परेशान ना हो, उनकी 1500 ही फ़ी है। तो ये जिन्होंने पूछा है ओल्ड स्टूडेंट, इन्होंने खुद 3000 पहले पे की थी। अब ये दोबारा बैच ज्वाइन करना चाह रही हैं, क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं, ठीक है, ये तो इनकी मर्ज़ी है, इन्हें अच्छा लगा है तो ये ज्वाइन करना चाह रही हैं। तो ये फेसबुक के ऊपर है चैनल, ठीक है, गूगल लाइसियम का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट का, कल मैंने फीडबैक लिया, जो भी रीसेंट बैच चल रहा है इनका ये फीडबैक है, ये आप देख सकते हैं। और एक डेमो लेक्चर जो बैच 4 के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये है जी, नहीं ये है वो डेमो लेक्चर जो बैच 4 के लिए था रिकॉर्ड किया हुआ, ये भी आज की रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर देनी है ताकि जिसका मिस हुआ है वो देख सके। तो फीडबैक आप लोग सुन सकते हैं, एक एक चीज़ जो है मैंने बताई है। और मैं अभी आपको एक लेक्चर देता हूँ छोटा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं पढ़ाता किस तरह का हूँ, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन, एक इशू होता है क्लासेस कितनी देर तक चलेंगी, क्लासेस जो हैं ये 1 मंथ तक चलेंगी। और मैं मंडे से संडे पढ़ाऊँगा, ठीक है, मंडे से संडे पढ़ाऊँगा, और ईद की जो तीन छुट्टियाँ होंगी वो उसे मतलब ये नहीं होगा कि ईद आ गई है तो आपका जो है वो सिलेबस है वो उसको मैं कंपनसेट करके तो आपको ईद की छुट्टियाँ दूंगा, इस तरह का नहीं होगा। जो ईद की छुट्टियाँ अगर आ भी जाएँ और उसकी वजह से अगर सिलेबस कवर ना हुआ हो तो मैं 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी ले लूँगा, ठीक है। तो बैच मेरा जो 4 था उसकी तो मैंने क्लासेस भी कोई 10 दिन एक्स्ट्रा ले लिए थे क्योंकि उनका सिलेबस रहता था। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो फिर मैं एक्स्ट्रा भी कर लूँगा। ये 1 मंथ का बैच है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, मंडे टू संडे क्लासेज होंगी, ठीक है, ताकि आप इन्हीं छुट्टियों के अंदर ये जो रमज़ान है इसके अंदर ही आप कर लें। और जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिन लोगों ने अप्लाई किया है इसके बाद टेस्ट होंगे उनको भी फ़ायदा होगा इसका। मैं एक मिनट को प्रेजेंटेशन ओपन कर लूँ, फिर मैं एक छोटा सा डेमो लेक्चर देता हूँ।
जी मैं टेस्ट का इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, जो टेस्ट होंगे मैं उनका इन्फॉर्म करूंगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा टेस्ट का, ये नहीं है कि टेस्ट का नहीं बताया जाएगा, इंशाल्लाह वो बताया जाएगा टेस्ट का। तो मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट सब्र करें। तो छोटा सा मैं करता हूँ, कोई टॉपिक देखता हूँ मैं छोटा सा, तो आपको मैं छोटे से टॉपिक के अंदर से वो डेमो लेक्चर देता हूँ, 1 मिनट रुकें, क्योंकि टाइम आ गई काफ़ी हो गया है। चलें जी, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस देख देखें, एक टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान स्टडीज में से, तो ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें से क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये सारे का सारा मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये सारी की सारी चीज़ क्या थी, ठीक है। इससे तो आपकी, एक तो आपको सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर या आपको जनरल जो नॉलेज होता है, जो जनरल नॉलेज होता है एक बंदे के पास, उसमें थोड़ा सा आपको इजाफा होगा, थोड़ा सा आप स्टोरी वाइज हिस्ट्री को सुनेंगे तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म याद हो जाएगा, और एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो एमसीक्यूज की भी जो है आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस आप सबने पढ़ी है मुतालिया पाकिस्तान में, ठीक है, जिसे स्पोय म्यूटनी भी कहते हैं, जो अंग्रेज़ थे वो इसे स्पोय म्यूटनी कहते थे। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस को ब्रिटिश क्या कहते थे, तो वो उन्होंने इसे स्पोय म्यूटनी का नाम दिया था, ठीक है, सिपाहियों की बगावत का नाम दिया था। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने की बहुत सी रीजंस थी, ठीक है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी आई थी एक वो रीजन थी। अब जो मैं आपको प्रॉपर लेक्चर पढ़ाऊंगा तरतीब के साथ, अब आपको पता चलेगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या, किसने दी थी, एक वो रीज़न थी। जो दूसरी जो स्पार्क बनी इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो थे कैटरेजेस, जो न्यू राइफल कैटरेजेस आई थी, जिसमें पिग और काउ की फैट यूज़ की थी, क्योंकि इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री के अंदर आप कोई चीज़ बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अंदर आपको एक लार्ज या मास स्केल के ऊपर आपको प्रोडक्शन चाहिए होती है, तब आप इनपुट्स को नहीं देखते, आप आउटपुट्स को देखते हैं कि आपने कितने थोड़े से मटेरियल से कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है। तो अब देखें, जो फैट है वो चाहिए थी अंग्रेज़ों को, ताकि वो जो कारतूस था राइफल का उसकी कवर को बना सकें, ठीक है, वो मुंह से खोलते थे तो उसका जो कवर था, यानी जो उस टाइम जमाने, उस ज़माने में जो गन थी उसके अंदर पहले वो गन पाउडर डालते थे, फिर वो बुलेट होती थी छोटी सी वो शरा टाइप, उसको डालते थे, फिर उसे लोड करके फिर चलाते थे, तो जो गन पाउडर था उसको जो कवरिंग थी वो थी फैट से। अब मुसलमान जो थे वो पिक की फैट को किस तरह मुंह में डाल सकते थे, या हिंदू जो थे वो काऊ की फैट को किस तरह मुंह में डाल सकते थे, तो जो सिपाही थे उन्होंने ना कर दी। और ये सबसे पहले ना किसने की, कौन था बंदा, कहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो बंगाल के अंदर बैरकपुर एक छोनी थी, वहाँ पे मंगल पांडे ने राइफल कैटरेजीज यूज़ करने से ना कर दिया, तो मंगल पांडे को गोलियाँ मार दी गई। जब मंगल पांडे जो सिपाही था उसे गोलियाँ मारी गई, तो जो बाकी छोनियाँ थी स्पेशली मीरठ, तो वहाँ पे बगावत फूट गई। अब ये एमसीक्यू आता है कि मंगल पांडे जो था, ठीक है, इसे कहाँ पे गोलियाँ मारी गई, बैरकपुर में था। दूसरी चीज़ कि ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, या जो ये स्पोय म्यूटनी थी, या जो रिवोल्ट था 1857 का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट होता है मीरठ से। तो 10 मई 1857 को जो मीरठ के सिपाही थे उन्होंने खुलम खुला बगावत का ऐलान किया था, ठीक है, और उन्होंने डिसओबीडियंस को जो था वो शो किया था फर्स्ट टाइम। पहले तो मंगल पांडे अकेला था, बाद में जब एक बहुत बड़ी तादाद में सिपाहियों ने बगावत की तो उसे हम बगावत काउंट करेंगे। तो मीरठ की जो कंटोनमेंट थी वहां पे सबसे पहले बगावत जो थी वो फूटी थी, तो मीरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1857 का।
अब बहादुर शाह जफर का क्या रोल है इसके अंदर? बहादुर शाह जो जफर था वो एक सिंबॉलिक किंग था, यानी अलाहाबाद ट्रीटी के बाद अंग्रेज जो थे वो मुगल बादशाहों को वजीफा देते थे, पेंशन देते थे। तो जितने भी मुगल बादशाह हुआ करते थे वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। तो बहादुर शाह जफर को आप कह लें कि अंग्रेजों ने एक पपिट बादशाह रखा हुआ था, एक पपिट किंग था वो। अब जो सिपाही थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, मेरठ दिल्ली से नज़दीक है, तो सिपाहियों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को कहा कि वो उन्हें लीड करें। तो बहादुर शाह जफर ने उन सिपाहियों के कहने पे इस रिवॉल्ट को लीड किया, और इस रिवॉल्ट को बाकी एरियाज में कौन लीड कर रहा था, तो बुंदेलखंड का जो एरिया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, रानी ऑफ झांसी। तो ये भी पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि रानी ऑफ झांसी का असल नाम क्या था, वो लक्ष्मीबाई था, ठीक है। बिहार में कुंवर सिंह कर रहे थे, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, तब उत्तर प्रदेश नहीं था यूपी, तब था यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो यूपी के अंदर नाना साहिब कर रहे थे, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर तांतिया टोपे कर रहे थे लीड, ठीक है। और अच्छा, ये सीएसएस में भी एमसीक्यू आ चुका है, ये पीपीएससी में भी एमसीक्यू आ चुका है कि औध की उस जो महारानी थी उसका नाम बताएं जिसने 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो उसका नाम है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो थी ये औध के नवाब की वाइफ थी, इन्होंने 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था। पंजाब के अंदर अहमद खान खरल जो थे वो लीड कर रहे थे। फिर एक और एमसीक्यू आता है कि किस इंग्लिश ऑफिसर ने बहादुर शाह जफर के बेटों को कत्ल किया था और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया था, तो उसका नाम है मेजर हुडसन। तो मेजर हुडसन ने दिल्ली के ऊपर दोबारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रिट जो थी वो कायम की थी। फिर एक और एमसीक्यू आता है 1857 में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि बहादुर शाह जफर को कहाँ एग्जाइल में भेजा गया था, उसे जिला वतन कहाँ किया गया था, तो दिल्ली से निकाल के रंगून भेजा गया। फिर एक और पीपीएससी पास पेपर में एमसीक्यू आ चुका है कि बहादुर शाह जफर की डेथ कहाँ पे हुई, तो वो रंगून में हुई। इसका मकबरा किधर है, वो रंगून में है। तो 1862 के अंदर इसकी डेथ हुई रंगून के अंदर। तो मैं आपको हिस्ट्री जो है इस तरह पढ़ाया करूँगा और बाकी चीज़ें भी इस तरह होंगी, और इंशाल्लाह लेक्चर्स प्रॉपर होंगे, अच्छी तरह होंगे। ये एक छोटा सा एक आपको डेमो दिया है कि इस तरह क्लासेस हुआ करेंगी, जो भी टॉपिक होगा उसमें आपको एक एक चीज़ रिलेट करके बताई जाएगी कि पास्ट के अंदर ये आ चुका है क्वेश्चन, ये नहीं आ चुका, ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट। तो हर टॉपिक से, वो हिस्ट्री का हो, वो किसी भी चीज़ का हो, आपको बताया जाएगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें से इस तरह एमसीक्यूज बन सकता है और इस डायमेंशन में एमसीक्यूज आ सकता है। तो आपको इंशाल्लाह हर डायमेंशन से एमसीक्यू बताने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि पेपर में वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपका वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एमसीक्यू टाइप पेपर है, तो एमसीक्यू टाइप पेपर का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि एमसीक्यू आ सकता है, क्या एमसीक्यू आ सकता है। तो इंशाल्लाह आपको हर डायमेंशन से एमसीक्यू करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप हर डायमेंशन से उस एमसीक्यू को कर सकें। अब कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली पूछ लें, ठीक है। मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें जी। पीपीएस ये इसके बाद जो नेक्स्ट बैच होगा वो अगस्त में, मैंने पीपीएससी का करना है, अगस्त या सितंबर में मैं करूँगा पीपीएससी का। हाउ वुड यू कवर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के अंदर एक चीज़ के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, दूसरी चीज़ के उन नोट्स में से मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़ के डेली का जो न्यूज़पेपर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या आ सकती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस किया करूँगा, ठीक है। कि ये चीज़ जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
इम्पोर्टेंट ही आ सकती है। ये सेशन पीपीएससी से रिलेटेड ही है। सर जी, दिस सेशन इज नॉट रिलेटेड टू पीपीएससी। शुमाइला अशरफ, आप किस तरह कह सकती हैं ये पीपीएससी से रिलेटेड नहीं है? पीपीएससी सीट्स कब आ रही हैं? ये तो पीपीएससी आपको बताएगी, ईद के बाद आएंगी। जी मोहम्मद अहमद, आपने हैंड रेस किया था। जी सर, पूछना ये था, अगस्त में आपने पीपीएससी का सेशन स्टार्ट करना है, तो ये सेशन कौन सा है? देखें, ये सेशन 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इसके बाद आप कब सेशन स्टार्ट करेंगे। उन्हें मैं बता रहा था, ये जो सेशन है ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी। ये जो सेशन है ये तो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। वो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि इस सेशन के बाद आप नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, ठीक है सर, क्लियर हो गया, जी क्लियर हो जी गया, थैंक यू। जी वो एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे कि इस सेशन के बाद। जी आपने अच्छा किया, ये क्लियर कर लिया। तो ये 19 अप्रैल से सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। किसी और का भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी सैयद औसाफ अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सलाम। काइंडली ये बता दें कि आपने सर 3 टाइमिंग्स बताई हैं हमें, कि 3 टाइमिंग्स में आप मतलब कि जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहेंगे वो आप सिलेक्ट कर लें। तो सर मैंने तो वैसे रात का सर करना है, जो 9 to 12 होगा, लेकिन सर जो बाकी सेशंस होंगे, टाइमिंग्स होंगी, वो भी लाइव होगा या वो रिकॉर्डेड होंगी सर? थैंक यू सर। उसमें उसमें ये है कि देखें, रोजे के अंदर मैं 6 घंटे नहीं बोल सकता। जो रात 9 बजे क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग होगी अगले दिन सुबह 10 बजे। लेकिन वो इस तरह भी नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो भी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ अगर आपको फिजिबल लगे तो, अगर आप देख लीजिएगा। मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँगा, मैं साथ साथ लेक्चर ले रहा हूँगा, ठीक है। आपके कोई भी क्वेरीज होंगी वो मैं एंटरटेन करूँगा। ये नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग चला दी जाएगी और आप जो है बस वो सुनते जाएं और कोई इसका आपके पल्ले पड़े या नहीं पड़े, आपको ठीक आपको हर चीज समझाई जाएगी, ठीक है। तो वो मैं आपको हर चीज क्लियर करके फिर भेजा करूंगा। आपके जितने भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व करके, ठीक है, ये सब होगा। हिना मसूद, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वर्ल्ड मैप का, कंट्रीज कैपिटल करेंसीज का, तो आपको मैं पूरी दुनिया जो है वो करवा दूंगा। और आप ये सेशन ज्वाइन करें और मैं गारंटी देता हूँ कि जब ये सेशन एंड होगा ना तो आप मुझसे ये पूछ रही होंगी कि सर मैं अब ये सारा कुछ याद किस तरह करूं, ठीक है। तो इनशाला ये जो वर्ल्ड मैप है और जो कंट्रीज हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। ये वर्ल्ड मैप और कंट्रीज जो है ना ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, ये 100% गारंटी है मेरी। जी मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाक स्टडी के हम जो बेसिक टॉपिक जितने भी होंगे, तकरीबन कोई 30-35 जितने भी टॉपिक होंगे, वो हम सब कवर करेंगे, क्योंकि बीपीएससी का अगर हम पेपर देखें तो उसमें पाक स्टडी और उसके अलावा जो जनरल नॉलेज वर्ड का होता है उसका पोर्शन ज्यादा होता है, बजाय इसके कि एवरीडे साइंस और जो बाकी सब डिविजन है। जी बिल्कुल। तो वो आपको, ये तो कोई पेट डिफाइन नहीं है कि वो 30 या 35 टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये कोई पेट चीज डिफाइन नहीं है कि कितने टॉपिक्स हैं कितने नहीं है। मैं आपको जो एंशंट हिस्ट्री है, ठीक है, मेहरगढ़ से लेके 1947 तक आपको, और बल्कि उससे आगे भी 1947 तक, तो आपकी ये प्री पार्टीशन हिस्ट्री है ना, ये करवाऊंगा। फिर पोस्ट पार्टीशन भी मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी चीजें होंगी, अमेंडमेंट्स भी होंगी और ये बाकी सारी चीजें भी होंगी। तो प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, जो प्री पार्टीशन है वो एंशियंट टाइम से लेके और वो आपकी जो है 1947 तक, और पोस्ट पार्टीशन। तो 30-35 टॉपिक्स कोई पेट टॉपिक्स नहीं है। मुझे नहीं पता ये आपने कहाँ देखे हैं 30-35 टॉपिक्स, लेकिन आपको ये सारी चीजें करवाई जाएंगी कि जिसमें से आपके एमसीक्यूज जो है ना वो कहीं से भी कोई मिस ना हो। जी सर, जी ठीक है, कोई और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। रात 9 बजे मैं खुद बोल के पढ़ाऊंगा, जिस तरह मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ इस तरह बोल के पढ़ाऊंगा। और 10 बजे और 2 बजे मैं आपको दिखा देता हूँ कि तब किस तरह पढ़ाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट मुझे दें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि तब किस तरह पढ़ाऊंगा।
आज के लेक्चर को हम स्टार्ट, हाँ, एक सब्जेक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। 10-11 सब्जेक्ट्स जब मिलते हैं तो फिर जाके एक सब्जेक्ट बनता है जनरल नॉलेज। ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं, आप कह सकते कि जनरल नॉलेज एक सब्जेक्ट है। था वो था अशोका, और अशोका जो था चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था। फिर ये चाणक्य कौन था? ये चाणक्य था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था, इसका मिनिस्टर था, और जो मौर्यन एम्पायर थी इसका ये स्टेट डिजाइनर था। यानी जो मौर्यन एम्पायर की पूरी जो स्टेट थी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसने डिजाइन की कि किस तरह का निजाम होगा मौर्यन एम्पायर का, यानी जो ये चाणक्य था ये एक डिप्लोमेट भी था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था, ये एक एडवाइजर भी था, ठीक है। ये ओवरऑल ये हर चीज थी चाणक्य। तो चाणक्य जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का खास बंदा था। अब अशोका का और चाणक्य का क्या ताल्लुक था? चाणक्य जो था ये टीचर था अशोका का। तो अशोका का जो टीचर था वो चाणक्य था, यानी चाणक्य ने अशोका की सारी तालीम और तरबियत, जो बेसिक एजुकेशन होती है कि एक शहजादे, क्योंकि शहजादे की और एक आम इंसान की जो एजुकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो चाणक्य ने इसे जो इसकी जो प्रिंसली एजुकेशन थी, या जो शहजादे की जो एजुकेशन होती है वो चाणक्य ने अशोका को दी। तो यहाँ तक सबको क्लियर। तो ये मैंने एक रिकॉर्डिंग चलाई थी एक लेक्चर की। तो सुबह जो रात को 9 बजे मैं पढ़ाया करूंगा, वो नेक्स्ट डे 10 बजे और 2 बजे मैं उसकी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। ये नहीं होगा कि पिछली रिकॉर्डिंग्स चलाऊंगा, जो फ्रेश लेक्चर मैंने डिलीवर किया होगा रात 9 बजे, ठीक है, वो होगा सुबह 10 बजे और 2 बजे। तो इसकी किस किस को समझ आ गई? अगर कोई 9 बजे तरावी, अगर तरावी का इशू है 9 बजे, तो आप सुबह 10 बजे क्लास ले सकते हैं या आप 2 बजे क्लास ले सकते हैं। और जो भी इशू आएगा लेक्चर के अंदर मैं खुद उसे सॉल्व करूंगा, जहां से समझ नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं और मैं आपको फिर ए टू जी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें एंटरटेन करूंगा, और कोई भी जो क्वेरी होगी वो जाया नहीं जाएगी, ठीक है। तो 2 बजे भी आपकी क्लासेस होती हैं आमना, आपकी 2 बजे भी क्लासेस हैं। जी फीस जो है वो 3,000 है, लेकिन अगर आप थर्सडे को जमा करवाते हैं, जुमे रात तक अगर आप जमा करवाते हैं, थर्सडे तक अगर आप जमा करवाते हैं, तो आप 2,000 पे कर सकते हैं। तो आमना ये तो देखें, आप अगर आपकी 8 से 3 क्लासेस हैं तो ये तो फिर आप कह लें कि हमारा तो वो मैच ही ना कर रहा। तो इसमें आपने रात 9 बजे तरावी पढ़नी है, 8 से 3 क्लासेस हैं, तो फिर ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चौथा बैच तो स्टार्ट नहीं कर सकता। सर ये पैसे जो से हैं फीस स्ट्रक्चर के, ये हम आपको इजी पैसे कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे। सर नहीं, इजी पैसा नहीं आपने करना, ना आपने जैस कैश करना है, या आपने बैंक अकाउंट में ही, वो मेरे बैंक अकाउंट में ही आपने ट्रांसफर करने हैं। जी आपने फीस सबमिट करवा दी है, मैं आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। आज मैं ग्रुप बना के तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जी अगर किसी का अगर इशू आ जाता है कि किसी दिन, मतलब इशू आ गया, रोजाना तो नहीं आ सकता, कि 9 बजे अगर किसी का कोई इशू आ गया है तो वो नेक्स्ट डे क्लास ले सकता है। अगर उसका कोई इशू आ जाता है तो वो नेक्स्ट डे जो है वो क्लास ले सकता है, ताकि उसका मिस ना हो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डे जो है वो क्लास ले सकता है कि उसका इशू ना हो। बेसिकली टाइम मैंने 9 बजे का रखना था, सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में कुछ तरावी का होता है, तो इसलिए मैंने 10 और 2 बजे का रखा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए किया हुआ है। हेलो,
तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। हाँ जी, दिन 10 बजे, दिन 10 बजे, सुबह 10 बजे भी क्लास है। तो जो रात 9 बजे क्लास होगी वही सुबह 10 बजे होगी, वही दोपहर 2 बजे होगी। ठीक है। अच्छा, ये आपने प्रोसीजर पूछा है बैंक में फी सबमिट का, तो आप काइंडली नंबर के ऊपर मैसेज कर दें अपना नाम लिख के, तो मैं आपको बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था स्लाइड के अंदर, तो वो आपको डिटेल मैं सेंड कर दूंगा, तो आप इस नंबर के ऊपर जो है वो मैसेज कर दें मुझे। ठीक है, अपना नाम लिख के मैं आपको डिटेल्स जो हैं वो बैंक अकाउंट डिटेल्स वो सेंड कर दूंगा, तो ये नंबर नोट कर लें। नहीं, तीनों तीनों टाइम्स की नहीं ले सकते, सॉरी। ये एक स्टूडेंट जो है वो तीन तीन टाइम, क्या वो एक दिन में 9 9 घंटे पढ़ना चाहता है? इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई आपकी एमरजेंसी होती है, कोई होता है, तो फिर आप कर सकते हैं। जो ऑर्फन है, ठीक है, हाँ मैंने कहा था, तो आप वो एग्री जॉब्स वाले ग्रुप में हो आमना? जी ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया भी था, तो आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने मैसेज भी किया था एग्री जॉब्स वाले में, तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई और किसी की क्वेरी है तो पूछ लें, कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। जो BPSC 16 है या 17 है, ये बेसिक पे स्केल्स होते हैं कि आपका ग्रेड कौन सा है। ठीक है, 16वें 17वें, तो एक दर्जा बंदी होती है ना ऑफिसर्स में और एम्प्लॉयज में, कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, तो वो होता है 16, 17, 18, 19। जो 2 से 5 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास 20 अप्रैल को होगी। ठीक है, 9 बजे पहली क्लास होगी 19 अप्रैल को, तो 10 बजे और 2 बजे जो क्लास होगी वो होगी 20 अप्रैल को पहली। आमना, जब आप मैसेज करो तो काइंडली वो मुझे बता देना, ठीक है, वो रेफरेंस दे देना और अपना नाम भी सेंड कर देना आप, ताकि मुझे याद रहे। इसके अलग टेस्ट होंगे, हर पोस्ट के अलग अलग टेस्ट होते हैं, हर सीट के अलग अलग टेस्ट होंगे। अगर एक डिपार्टमेंट की सीट एक दफा आई है, दूसरी दफा आएगी, तो उसके टेस्ट अलग अलग होंगे। PPSC के अंदर पहले आपका टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। जो एकेडमिक होता है ना, वो टेस्ट में मैटर नहीं करता, ना वो इंटरव्यू में मैटर करता है। जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू पास हो जाएंगे, तब जाके एकेडमिक मैटर करेगा, और वो कोई मैटर नहीं करता होता, कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। जितनी उन्होंने इसकी परसेंटेज रखी होती है, उससे सारी बराबर होते हैं। 3.2 से लेके 4x4 वाला सारे एक ही सफ में खड़े होते हैं। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज होती है वो होती है टेस्ट को क्लियर करना, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना, फिर इंटरव्यू के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेना, और उसके बाद फिर एकेडमिक का आता है। तो एकेडमिक की आपने टेंशन ही लेनी, एकेडमिक एंड वाली चीज है, और इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, टेस्ट सेशन जो है साथ साथ टेस्ट होंगे, साथ साथ टेस्ट होंगे, साथ साथ टेस्ट होंगे। जी 19 अप्रैल से क्लासेस होंगी, 19 अप्रैल से क्लासेस होंगी, 19 अप्रैल से जो है वो क्लासेस होंगी। जी बिल्कुल बताऊंगा, ये क्यों नहीं बतानी चाहिए। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उन्हें फ़ी डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो थर्सडे तक अपनी फ़ी सबमिट करवा दें और वो सेशन को ज्वाइन कर सकें।
जी ठीक है, आप और भी दोस्तों को बता दें, अगर आपके और भी दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मज़ीद दोस्तों को भी बता दें। अगर आप 3 दोस्तों को रजिस्टर करवाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री होगी। तो जिसने फ़ी भी पे की होगी, अगर वो 3 दोस्तों को ले आया, मैं उसकी फ़ी उसे रिटर्न भी कर दूंगा, ठीक है? तो ये भी कोई मसला नहीं है। और अगर किसी ने फ़ी पे भी कर दी होगी, वो 3 दोस्त ले आए बाद में भी, तो उसकी मैं फ़ी उसे रिटर्न कर दूंगा। कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं एंड करूं। तो आज की जो ये क्लास है, इसे मैं एंड करता हूं। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज मैं इसे एंड करता हूं। जी ठीक है, वो कल मुझसे बात कर लें, कोई इशू नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं एंड करता हूँ इसको। ये नंबर लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, ताकि फिर मैं आपको बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर दूँ और आप फी सबमिट करवा सकें। तो रमज़ान मुबारक आप सबको। आई होप के कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा तो ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? जो भी करना है कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको जो फ़ी डिटेल्स हैं वो सेंड कर दूं। आप लोग थर्सडे तक डिस्काउंट ऑफर के अंदर फ़ी सबमिट करवा दें। कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। और जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। 0300-421-9263 ये नंबर है, जो लोग फी सबमिट करवाना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर मैसेज करें और मैं उन्हें बैंक अकाउंट डिटेल सेंड कर दूंगा और उसके अंदर वो फीस सबमिट करवा दें, ठीक है? तो इजी पैसा जैस कैश नहीं है, ना आपने करना है, तो आपने बैंक के अंदर ही जो है वो फीस सबमिट करवानी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं अब एंड करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग जो हैं वो थर्सडे तक रिसीव कर लेंगे। और मैं फिर से आपको कहूँ कि ये एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक रीज़नेबल फ़ी के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।